वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में किरचॉप्स करंट लॉ इट मींस केसीएल यानी ही नोडल एनालिसिस ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 15 स्टडी करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें यहां फाइंड आउट करना है। यहां पे एक सर्किट दिया है और देखो इसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट्स I1 एंड I2 फॉर द सर्किट शोन। देखो सर्किट में आप देख सकते हैं यहां दो करंट्स आपको दिख रहे हैं, एक I1 दूसरा I2। यही I1 I2 इनका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे बाय नोडल एनालिसिस इट मींस बाय किरचॉप्स करंट लॉ यानी KCL। तो कैसे सॉल्व होगा? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो मेथड है, एक लॉन्ग कट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। लॉन्ग कट मेथड में आपको क्या करना है, यहां पे जो सर्किट ये दिया है अभी ये इसको एज इट इज ऐसे ही रख के आपको इसमें केसीएल वगैरह अप्लाई करके सॉल्व करना है, ठीक है। ये लॉन्ग कट मेथड है और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना है, ये सर्किट को रिड्यूस करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करके एक छोटा सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद हम उसमें केसीएल अप्लाई करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब कौन से मेथड से सॉल्व करना है ये चॉइस आपकी है। वैसे इसके पहले के काफी सारे प्रॉब्लम्स हमने लॉन्ग कट मेथड से आपको सॉल्व करा के दिए थे। बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी थे जो हमने शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किए थे, ये प्रॉब्लम भी हम शॉर्टकट मेथड से अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है तो हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा जैसा हमने कहा था। तो ये सर्किट को अगर रिड्यूस करना है तो सर्किट को रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, क्या करो, यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करो। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से ये सर्किट रिड्यूस हो जाएगा। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सोर्सेस कितने हैं, दो है, इधर है करंट सोर्स और इधर है वोल्टेज सोर्स। क्या करो, ये जो करंट सोर्स है ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लो बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे ना तो यहां पे ये सर्किट रिड्यूस हो जाएगा। अब आप कहोगे इसी को क्यों कन्वर्ट करना, हम ये वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा पता है, प्रॉब्लम ये हो जाएगा अगर आप ये वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये सर्किट रिड्यूस होने के बजाय और बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते समय जो करंट सोर्स बनेगा अगला वाला, वो उसमें करंट सोर्स और रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करना पड़ता है, जो इसके बाद और दो ब्रांचेस उसमें जुड़ जाएंगी, सर्किट बड़ा हो जाएगा। सर्किट अगर छोटा करना है तो एक ही ऑप्शन है, ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लो तो ये जो IR है ये IR रिड्यूस होकर VR बन जाएगा और वो एक सिंगल ब्रांच में हमें शो करना पड़ेगा और ये सर्किट रिड्यूस हो जाएगा और फिर हम इसमें KCL अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा, समझे। देखो कैसे ये होता है, हम आपको सॉल्व करा के देते हैं। सबसे पहले हमने इसको जैसा कहा हम इसको रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे, देखो ये सर्किट को हम यहाँ डबल से ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो रिड्यूस सर्किट हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें हमें क्या करना है, करंट सोर्स को कन्वर्ट करना है। तो ये देखो ये जो रेजिस्टेंस है इसको हमने हटा दिए, ये ब्रांचेस को भी हम हटा देंगे और जो रेजिस्टेंस हमने यहां से निकाले थे वो ये रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में यहां पे लगा दो। वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहां पे करंट का वैल्यू क्या है, देखो करंट का वैल्यू है 10 एम्पियर है ना, और रेजिस्टेंस का वैल्यू है 5 ओहम। तो अगर आपको वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो फार्मूला क्या है, वी इक्वल टू IR बाय यूजिंग द ओम्स लॉ है ना। सो I कितना है 10 और R कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 50 वोल्ट। तो फाइनली वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 वोल्ट। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका वैल्यू हो गया 50 वोल्ट और इसके सीरीज में हमने वही रेजिस्टेंस लगा दिए जो करंट सोर्स के पैरेलल में था। तो ये देखो करंट सोर्स के पैरेलल में 5 ओहम था, वो 5 ओहम इसके सीरीज में हमने लगा दिए, ठीक है। और फाइनली ये जो करंट सोर्स है यानी ये जो IR है, IR को हमने VR में कन्वर्ट कर लिए, देखो ये VR में कन्वर्ट हो गया और ये जो है ये एक सिंगल ब्रांच बन गई। देखो अब ये सर्किट जो है ये रिड्यूस हो गया। अब आप बोलोगे ये रिड्यूस का क्या मतलब है, रिड्यूस का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं इसमें ये जो सर्किट है इसमें दो नोड है, ये सर्किट में दो नोड है, कहाँ है, देखो नोड मतलब क्या होता है, नोड यानी जंक्शन पॉइंट। देखो यहाँ पे एक नोड है और ये एक नोड है, अगर आपने ये सर्किट में KCL अप्लाई किए होते तो दोनों नोड पे हमें KCL अप्लाई करना पड़ता था, दो इक्वेशन बनानी पड़ती थी, फिर वो दोनों को साइमल्टेनियसली या क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना पड़ता था, काफी लंबा गया होता हो। लेकिन अब देखो हमने उसको रिड्यूस कर लिया है, तो जब हमने इसको रिड्यूस किया है तो आप यहां देख सकते हैं अब यहां पे एक सिंगल नोड है, देखो ये एक सिंगल नोड है, एक ही नोड है, नोड यानी जंक्शन पॉइंट, एक सिंगल नोड है बस। ये सिंगल नोड पे सिंगल टाइम आपको KCL अप्लाई करना है, एक सिंगल इक्वेशन आएगा और वो इक्वेशन के थ्रू आपको ये नोड वोल्टेज मिल जाएगा। एक बार यहाँ पे नोड वोल्टेज मिल गया तो हम उसी का यूज करके I1 I2 फाइंड आउट कर लेंगे, प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा,
समझ में आया? तो यहां पे हमने किसका यूज किया, यहां पे हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया, हमने ये सोर्स को कन्वर्ट कर लिए, आईआर को वीआर में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है ना। करंट ये था, रेजिस्टेंस ये था, वोल्टेज हमने फाइंड आउट किए बाय यूजिंग ओम्स लॉ, और ये सर्किट बन गया। अब इसमें केसीएल अप्लाई करो, अब ये जो सर्किट है ये सर्किट का काम खत्म हो गया, अब ये सर्किट का कोई काम नहीं है। अब जो भी काम है, जो भी हम सॉल्व करेंगे, इसी के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको ये सर्किट से सॉल्व करना है तो हमें यहां पे जो नोड है उस पर केसीएल अप्लाई करना है। देखो ये नोड है ना, तो ये नोड के अक्रॉस का वोल्टेज मान लो वी, ये नोड के अक्रॉस का वोल्टेज हमने मान लिए वी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, केसीएल अप्लाई करके यहां पे ये नोड वोल्टेज वी फाइंड आउट करेंगे। एक बार हमें नोड वोल्टेज वी मिल गया तो उसी का यूज करके हम आई वन आई टू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो अब हम यहां पर लिख लेंगे अप्लाई केसीएल, यहां पर अप्लाई केसीएल एट नोड। तो अगर हम यहां पे केसीएल अप्लाई करेंगे तो जनरली जब कभी भी हम नोड पे केसीएल अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, नोड पे जितने भी ब्रांचेस हैं सभी ब्रांचेस में हम करंट कंसीडर कर लेते हैं और चेक करते हैं कि वो करंट पर्टिकुलर वो नोड पे एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है। अभी जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो नोड है ये नोड में तीन ब्रांचेस लगी है, इधर की एक ब्रांच, इधर की एक ब्रांच और ये एक ब्रांच। जो इधर की ब्रांच है इसमें ऑलरेडी करंट यहां पर हमें दिख रहा है आई वन। देखो ये करंट यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ये ऑलरेडी एग्जाम में जब आया था तब ऑलरेडी ये ऐसा दिया हुआ था, ठीक है। ये करंट यहां पे ऑलरेडी दिया है, इसका नाम भी यहां पे दिया है आई वन इधर के ब्रांच में, और इधर के ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका भी नाम पहले से दिया है आई टू। बस ये जो ब्रांच है ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट यहां पर नहीं दिया है, तो चलो मान के चलो यहां से फ्लो होने वाला करंट आई थ्री, मान के चलते हैं हम इसको आई थ्री, ओके। I1, I2, I3 हमने नेमिंग दे दिए। अब बस क्या करो, ये नोड पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं तो KCL के रूल्स अप्लाई करो। क्या है रूल्स, तो रूल्स ये है कि जो भी करंट, कुछ नहीं, आपको नोड पे जितने भी करंट्स एंटर कर रहे हैं या लीव कर रहे हैं सभी का समेशन करना है, यानी I1, I2, I3 का समेशन करना है। लेकिन समेशन करने का रूल है, रूल ये है, देखो दो टाइप के रूल हो सकते हैं, आप कोई भी रूल यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आता है। रूल ये है कि हम क्या करेंगे, जो करंट नोड पे एंटर कर रहा है उसको हम निगेटिव मिलेंगे और जो करंट नोड से लीव कर रहा है उसको हम पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना ये बात। एंटर करने वाले निगेटिव और लीव करने वाले पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर आपने इसका उल्टा रूल यूज किए तो भी चलता है, मतलब एंटर करने वाले अगर आपने पॉजिटिव लिए और लीव करने वाले निगेटिव लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इक्वेशन बना के देख लो आंसर एक ही आता है, ठीक है। तो कोई ना कोई एक रूल यूज करना है तो हम ये रूल यूज करेंगे अभी, ठीक है, ओके। तो चलो हम यहां पर इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो आई वन आई टू आई थ्री में से आई वन नोड पे एंटर कर रहा है, नोड पे एंटर कर रहा है तो आई वन हो जाएगा निगेटिव में माइनस आई वन, ठीक है। I2 क्या कर रहा है, I2 नोड से बाहर जा रहा है मतलब वो लीव कर रहा है तो I2 हो जाएगा प्लस में, और I3 क्या कर रहा है, I3 नोड से बाहर जा रहा है मतलब वो भी लीव कर रहा है मतलब I3 भी हो जाएगा प्लस में, इक्वल टू जीरो हो गया। हमने नोड पे, ये नोड पे KCL अप्लाई किए तो हमने KCL अप्लाई करके ऐसा इक्वेशन बना लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये करंट्स को V बाय R के फॉर्म में सेट करना है, क्योंकि करंट यानी क्या होता है, बाय यूजिंग ओम्स लॉ I इक्वल टू होता है V बाय R, मतलब करंट I को आप V बाय R के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको भी V बाय R के फॉर्म में लिखो, इसको भी लिखो और इसको भी लिखो। तो चलो हम सभी को लिखते हैं V बाय R के फॉर्म में। तो सबसे पहले I1, ये जो माइनस है इधर बाहर रखो, माइनस को छेड़ना नहीं, माइनस बाहर रखो और I1 को अलग से V बाय R के फॉर्म में ये ब्रैकेट के अंदर तैयार करो। I1 देखो कहां से कहां जा रहा है, I1 देखो कहां से कहां जा रहा है, तो ये जो I1 है ये I1 यहां से देखो ये 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के तरफ से इधर से जा रहा है, इधर यहां से इधर जा रहा है, इधर से इधर। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, है ना, ये आपने हमेशा सुना है। तो ये है हायर पोटेंशियल और ये है लोअर पोटेंशियल, क्योंकि करंट का डायरेक्शन जो है वो 50 से वो नोड के तरफ है तो इधर से इधर जा रहा है, तो ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल। तो यहां पर तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 50 माइनस वी, इधर का वोल्टेज 50 और इधर का वोल्टेज वी, तो 50 माइनस वी और बीच में क्या है 5 ओहम दोनों सीरीज में मतलब हो जाएगा 10 ओहम, तो 50 माइनस वी बाय 10, तो हम यहां लिख लेंगे 50 माइनस वी बाय 10। ये देखो हमने वी बाय आर के फॉर्म में लिख लिए आई वन को, आई वन को हमने वी बाय आर के फॉर्म में लिख लिया, ये वी ठीक है और आर जो है 10 है, 5 + 5 = 10, ठीक है। चलो अब I2 को लिखते हैं, I2 देखो कहां से कहां जा रहा है, I2 जो है वो V से
100 वोल्ट की तरफ जा रहा है, वी से 100 वोल्ट की तरफ जा रहा है, तो I2 के लिए हायर पोटेंशियल हो गया वी और लोअर पोटेंशियल हो गया 100, जबकि इसके पहले I1 के लिए हायर पोटेंशियल 50 था और लोअर पोटेंशियल वी था, इसलिए 50 माइनस वी लिखे, लेकिन I2 के लिए हायर पोटेंशियल वी है और लोअर पोटेंशियल 100 है, तो वी माइनस 100 बाय 30, तो हम यहां लिख लेंगे प्लस वी माइनस 100 बाय 30, ठीक है ना। देखो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल यहां पे भी उसी तरह से है, कुछ नहीं, करंट के डायरेक्शन के ऊपर खेल है और कुछ नहीं रहता, करंट के डायरेक्शन के ऊपर ही रहता सब कुछ। देखो अभी यहां पे करंट ऑलरेडी ऐसा I1 दिया है ना, ऐसा ये ऐसा राइट वर्ड दिया है, अभी ऐसा दिया है इसलिए हमने 50 माइनस वी लिखे। मान लो अगर यही I1 अगर लेफ्ट वर्ड दिया होता तो हमने वी माइनस 50 किए रहते, ठीक है, ओके, हायर माइनस हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल ऐसा किए रहते, तो डायरेक्शन के ऊपर खेल रहता और कुछ नहीं। चलो हो गया, I1 हो गया, I2 हो गया, दोनों को हमने V by R के फॉर्म में लिख लिए। अब I3 को लिखो, I3 को V by R के फॉर्म में लिखो, तो I3 कहां से कहां जा रहा है, I3 ऊपर के नोड से नीचे के नोड की तरफ जा रहा है, नीचे में जो नोड है वो हमेशा अर्थिंग होती है, नीचे की नोड हमेशा अर्थिंग होती है और अर्थ के अक्रॉस का पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, यहां का पोटेंशियल जीरो है, मतलब V माइनस जीरो बाय 20, तो हम यहां लिख लेंगे प्लस V माइनस जीरो बाय 20, सॉरी यहां पे एक मिनट गलती हो गई, एक्सट्रीमली सॉरी, V माइनस जीरो बाय 20, ये हमने I3 को भी V by R के फॉर्म में लिख लिए, बस इसको सॉल्व करो आपको V मिलना मिल जाएगा कन्फर्मली, इसका काम हो गया, इसको हटा देते हैं। चलो इसको आप स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको स्प्लिट भी कर लेंगे, सो माइनस 50 बाय 10 प्लस V बाय 10, देखो बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे, प्लस V बाय 30 माइनस 100 बाय 30, ठीक है, ओके, स्टेप फाइव चलेंगे क्योंकि ऐसी जगह गलती हो सकती है कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में, प्लस V बाय 20 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब जितने भी V की टर्म्स है उनमें से V कॉमन ले लो और जो टर्म में V नहीं है उनको राइट साइड में शिफ्ट करो, तो ये और ये में से V कॉमन ले लो और यहाँ पे बचा 1/10 प्लस यहाँ बचा 1/30 प्लस यहाँ बचा प्लस 1/20, ये हो गया V कॉमन ले लिए, बाकी सभी टर्म्स उधर शिफ्ट करो तो ये 100/30 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है तो 100/30 उधर गया प्लस और ये 50/10 यानी 5 माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा प्लस 5, ठीक है, ओके। और अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करना चाहेंगे, अगर आपको एग्जाम में कैलसी अलाउड है तो आप कैलसी का यूज़ करो, कैलसी अगर अलाउड नहीं है तो आप इसको मैनुअली सॉल्व करो, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे, इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में देखें तो 11/60, पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हम इसको कर लेंगे 100/30 प्लस 5, तो ये आ चुका है 25/3, ठीक है। और इसको अब हम यहाँ पे फाइनली वी निकालेंगे, सो वी इज इक्वल टू 25 × 60/11 × 3, ठीक है, सो देयरफॉर हमें वी का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, तो हम इसको जल्दी से कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं, आप मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हैं अगर एग्जाम में कैलसी अलाउड नहीं है तो ये आएगा 500/11 यानी ही पॉइंट में 45.4454, ठीक है, तो वोल्ट, इसका यूनिट वोल्ट। तो फाइनली हमने क्या फाइंड आउट किए, फाइनली हमने यहाँ पे नोड वोल्टेज फाइंड आउट कर लिए, वो जो नोड था ना, ये नोड के अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, तो ये नोड के अक्रॉस का वोल्टेज है 45.454, लेकिन प्रॉब्लम पूरा हुआ क्या, नहीं, क्या फाइंड आउट करना है हमें, I1 I2 फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको I1 I2 फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट करना बहुत आसान है, अब I1 I2 कैसे फाइंड आउट करना उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहां बोर्ड पे फार्मूला लिखा हुआ है, बस उसी का यूज करना है। तो चलो हम यहां पे लिख लेंगे ऐसा कि देयरफॉर I1 इज इक्वल टू, अब देखो I1 हम कैसे आप, हमने कहा था ना I1 का फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है पता है, ये देखो I1 का फार्मूला आपको बताते हैं कहाँ लिखा है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये I1 का फार्मूला है, क्या दिख रहा है, I1 इज इक्वल टू 50 - V/10 और ये I2 का फार्मूला है, ये देखो ये I2 का फार्मूला है ना, हमने I1 को V/R के फॉर्म में लिखे, I2 को भी V/R के फॉर्म में लिखे, I3 को भी V/R के फॉर्म में लिखे, सभी में कॉमन क्या है, V, इसका मतलब I1 निकालना है तो V यहाँ पे पुट करो सॉल्व करो तो I1 मिलता, I2 फाइंड आउट करना है V यहाँ पुट करो सॉल्व करो I2 मिलता, I3 भी अगर आपको फाइंड आउट करना है V यहाँ पुट करो सॉल्व करो I3 मिलता, समझ में आया कितना आसान है, बस हम यहाँ पे अब लिख लेंगे I1 इज इक्वल टू क्या है
50 माइनस वी बाय 10, तो हम यहां लिख लेंगे 50 माइनस वी है 45.454, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, तो ये आएगा 50 माइनस 45.454 बाय 10, तो ये आएगा 0.4546 एम्पियर। फाइनली हमें I1 मिल चुका है, ठीक है। इसी तरह से I2 निकालेंगे, एंड I2, सो I2 निकालने के लिए फार्मूला बताया हमने अभी आपको, V माइनस 100 बाय 30, तो यहां पे हम बस वही लिख लेंगे। ये देखो, ये फार्मूला उठा के यहां लिख दिए, बस यहां वैल्यू पुट अप करो, 45.454 माइनस ऑफ 100 बाय 30, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब 100 बड़ा है तो आंसर माइनस में आना तय है, तो माइनस में आंसर आएगा माइनस 1.8182 एम्पियर। तो ये देखिए, ये हमने I1 I2 दोनों फाइंड आउट कर लिए, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं I1 का जो आंसर है वो पॉजिटिव में आया है, I2 का आंसर निगेटिव में आया है। I1 का जो डायरेक्शन यहां दिया है, I1 का डायरेक्शन राइटवर्ड दिया है, I1 का डायरेक्शन राइटवर्ड लेके हमने सॉल्व किए, आंसर प्लस में आया। इसका मतलब ये है कि I1 का जो डायरेक्शन है वो सही में राइटवर्ड है। देखो, राइटवर्ड के लिए पॉजिटिव। अब I2 का डायरेक्शन राइटवर्ड दिया है, I2 का डायरेक्शन राइटवर्ड है और राइटवर्ड है, लेकिन आंसर माइनस में आया। इसका मतलब यह है कि I2 एक्चुअली राइटवर्ड नहीं, वो लेफ्टवर्ड होना चाहिए, अगर हम माइनस हटा दे तो, ठीक है। जो गिवन डायरेक्शन है, गिवन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग माइनस में आएगा, ये तय है। लेकिन अगर आपने यहां पे माइनस हटा दिए, फॉर एग्जांपल देखो, हम यहां माइनस हटा के बताते हैं आपको, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अगर हमने यहां पे माइनस को हटा दिए, देखो माइनस को हटा देंगे तो 1.8182 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, तय है। बस एक ही काम करना है आपको कि आपको डायरेक्शन यहां पे चेंज करना पड़ेगा, एग्जाम में ये जरूर शो करना। अगर आप माइनस को हटा रहे तो आपको डायरेक्शन यहां पे माइनस को हटाने के बाद यहां ब्रैकेट में डायरेक्शन शो करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। अगर आपने ये शो नहीं किए तो एग्जामिनर आपके आधे से एक मार्क काट सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप यहां पे डायरेक्शन जरूर दो, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट्स I1 एंड I2, तो I1 एंड I2 के लिए हमें वोल्टेज चाहिए था, नोड वोल्टेज, तो हमने पहले वो निकाले, उसके बाद ये हमने I1 फाइंड आउट किए और ये हमने I2 फाइंड आउट किए, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। वैसे ये जो हमने टेक्निक यूज की, ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, आप इसको बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस करो। लॉन्ग कट मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे तो जैसा हमने कहा था कि आपको दोनों नोड में दो बार KCL अप्लाई करके दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा, उसके थ्रू भी बिल्कुल यही आंसर आएगा फाइनल, लेकिन उसको सॉल्व करने में और ज्यादा समय लगेगा। फिलहाल ये टेक्निक से जो हमने सॉल्व किया है, इसको आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो ये था किरचॉफ्स करंट लॉ, इट मीन्स KCL, यानी ही नोडल एनालिसिस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 15। इसके पहले के 14 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।